सिवान के दरौंदा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एक साथ चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस संबोधन के दौरान उन्होंने NDA के प्रत्याशी अजय सिंह के लिए वोट मांगे। इसके अलावा सुशील मोदी ने सिवान के BJP जिला उपाध्यक्ष को धमकी भी दे दी। चुपचाप से शांत रहने वाले सुशील मोदी के बारे में क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। सिवान में चुनावी सभा को सबसे पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने संबोधित किया और कहा कि 4 महीने जो मोदी जी की लहर कायम थी वो उपचुनाव में भी कायम रहनी चाहिए। इसके साथ ही सुशील मोदी ने निर्दलीय उम्मीदवार व्यास सिंह को वर्तमान में BJP के जिला उपाध्यक्ष पद पर है उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि आज शाम 5 बजे तक अगर उन्होंने अजय सिंह को समर्थन नहीं दिया तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दूंगा। खबर है कि व्यास सिंह निष्कासित भी हो गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग अखबारों से सुर्खियां बटोरने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर आम जन से ध्यान नहीं देने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में जैसे मोदी की सरकार देश के विकास के लिए काम कर रही है वैसे ही राज्य में हमारी सरकार काम कर रही है। वहीं लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार का बागडोर 14 वर्षों से नीतीश कुमार के हाथ में है और इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार शब्द का जैसे लोप हो गया है। लोजपा सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गरीबों का मसीहा करार देते हुए उनके हाथों को और मजबूत करने के लिए उनके NDA प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। और इसी दरमियान सुशील कुमार मोदी इतने ज़्यादा भावुक हो गए कि उन्होंने BJP के नेता को ही धमकी दे दी है। अब इस धमकी का क्या होता है असर, ये तो आप तमाम दर्शकों की राय पर निर्भर करता है। तो जल्द से जल्द अपने कमेंट्स दीजिए और बताइए कि इस धमकी के क्या है मायने। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।